हाई गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ फैशन यू चेतना। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक हेयर रिमूवल वैक्स पाउडर के बारे में, जो कि घर सोप इनकी ब्रांड है। सो अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे चेक कर रही थी, तो मैंने देखा कि घर सोप करके एक इंस्टाग्राम स्टोर है। बेसिकली वो घर पे ही सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वहाँ से मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पर लोगों ने वीडियो बना रखे थे कि ये जो पाउडर है वो आपके हेयर को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। सो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने ऑनेस्ट रिव्यू कि ये कैसे वर्क करता है, आप लोगों को परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये घर सोप का जो प्रोडक्ट है वो आपको 2 से 3 दिन में बहुत अच्छे से डिलीवर हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, ऑनलाइन आप जैसे चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो। सो इस टाइप की ग्लास बॉटल या फाइबर बॉटल बोल सकते हैं, उस टाइप की बॉटल में आता है। आपको 100 ग्राम प्रोडक्ट जो है 1500 इसका MRP 1500 रुपीज़ का ही आता है। अभी 33% ऑफ चल रहा है, तो 999 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। सो इस ग्लास बॉटल पर लिखा हुआ है कि एक नेचुरल इन्ग्रीडियंट से मिलकर बना है, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी, ब्लैक सॉल्ट, लेमन फ्लेवर एंड बार्क ऑफ ऑरेंज एंड एलोवेरा मिंट। बस इसी इन तीनों चारों पांचों प्रोडक्ट से मिलकर ये बना है। और साइड में इस पे लिखा है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। रोज़ वाटर या पानी के साथ इसको नॉर्मल मिक्स करके, जैसे हम मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाते हैं ना, वैसे बना के आप इसको जेंटली अपने फेस पे अप्लाई करने का इस पे नहीं लिखा है, बाकी आप सब जगह इसको अप्लाई करके अपने अपने हेयर को रिमूव कर सकते हो। और ट्राई करने से पहले आपको एक डॉट पैच बना के ट्राई करना है, आपको कोई एलर्जी नहीं हो इसलिए। ये है। आप लोगों के साथ में इसका डेमो भी शेयर करूँगी मैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप डेमो देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस टाइप से हेयर को रिमूव करता है। यहाँ पर मैं 1.5 टेबल स्पून ये वैक्स पाउडर लूँगी एक बॉल के अंदर, और उसमें 1.5 स्पून ही इसके अंदर मैं रोज़ वाटर मिक्स करूँगी। अगर ज़्यादा ज़रूरत लगे तो और आप रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हो। आपको एक नॉर्मल सा पेस्ट बनाना है, उसके बाद में एक ब्यूटी ब्रश जो होता है उसकी हेल्प से इस पेस्ट को जो है अपने हैंड पे जहाँ जहाँ मुझे हेयर रिमूव करना है वहाँ अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। और अप्लाई करने के बाद इसको आपको 10-15 मिनट रखना है, जब तक कि आपका पेस्ट पूरा जो है वो ड्राई नहीं हो जाता, तब तक आपको इसको रखना है। पेस्ट अप्लाई करने से पहले मैंने जस्ट शावर लिया था, तो मैंने अपनी स्किन पे कोई भी बॉडी लोशन अप्लाई नहीं किया है, ड्राई स्किन पर ही मैं ये पेस्ट अप्लाई कर रही हूँ। और जैसे जैसे मैं इस पेस्ट को अप्लाई करती हूँ तो मुझे एक ब्लीच जैसी सी थोड़ी सी जलन सी महसूस होती है, बस उतना ही होता है और कुछ भी पेन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने अपने दोनों हैंड पर अप्लाई कर लिया था पेस्ट को, और इसको ड्राई होने के बाद मैं एक वेट क्लोथ लूँगी। आप कोई भी नॉर्मल टॉवल या फिर कोई भी कपड़ा लेके उसको गीला करके आप जो है हेयर को रिमूव कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में जैसे ही मैं क्लोथ से ये जो पेस्ट है वो रिमूव करती हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि मेरे हेयर जो हैं रिमूव होते हुए मुझे दिखते हैं। लेकिन जब मैं इसको कम्प्लीटली वेट क्लोथ की हेल्प से इसको रिमूव करती हूँ पेस्ट को, तो एक तो मेरी टी शर्ट पूरी ख़राब हो जाती है, ये पूरा पाउडर जो है मेरी टी शर्ट पे लग जाता है और फ्लोर पे भी गिर जाता है। और उसके बाद में मैंने देखा कि मेरे हेयर जो है वो रिमूव नहीं होते हैं पूरे, कुछ हेयर रिमूव हो गए हैं लेकिन कुछ जो है वो अंदर ही टूट जाते हैं ना, उस टाइप से रिमूव हुए हैं जैसे कि किसी ने बहुत ही घटिया तरीके से वैक्स करी है, उस टाइप से मेरे को अपने हेयर दिखते हैं। तो मतलब कम्प्लीटली जो वैक्स करने के बाद हेयर रिमूव होते हैं उस टाइप के हेयर रिमूव नहीं होते हैं। और सूखने के बाद जैसे पानी पूरा सूख जाता है उसके बाद मेरी स्किन इतनी बुरी तरीके से ड्राई हो जाती है कि मतलब मैंने 2 बार तो बॉडी लोशन लगाया, उसके बाद जब मैं नारियल का तेल लगाती हूँ तब जाके मेरे ड्राइनेस जो है वो रिमूव होती है, और कोई भी डेड स्किन रिमूव नहीं करती है। लाइक मेरे हैंड जो ऐसे पहले थे वैसे के वैसे दिखते हैं, मतलब कोई फेयरनेस या कोई डेड स्किन इस पाउडर से रिमूव नहीं होती वो मैंने फील किया। हैंड के हेयर तो फिर भी 2 बार पेस्ट को अप्लाई करने के बाद कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं, बट जो मेरे लेग के हेयर हैं वो मेरी थोड़ी हार्ड ग्रोथ आती है तो वहाँ के हेयर तो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि जो लेग के हेयर हैं वो कितने रिमूव होते हैं और कितने नहीं होते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे लेग के हेयर
इतना मतलब रगड़ रगड़ के मेरी हालत ख़राब हो गई, फिर भी मेरे कोई हेयर रिमूव नहीं हुए। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इंस्टाग्राम पे वीडियो हैं, या तो उनके कोलाब्रेशन के होंगे, या फिर उनके ऑनेस्ट रिव्यू नहीं होंगे, या फिर शायद मेरी हार्ड ग्रोथ जो है वो रिमूव नहीं हुई, क्योंकि ये पाउडर जो है वो हार्ड ग्रोथ को रिमूव नहीं करता है, और हैंड पे भी दो बार पेस्ट अप्लाई करने के बाद ही हेयर रिमूव होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये ब्रांड गंदा है, आप इसे परचेस नहीं करें, बट आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर इतना महंगा प्रोडक्ट आप पैसा दे रहे हो तो एटलीस्ट क्लीनली हेयर रिमूव होने चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। सो इसने हेयर का तो फिर भी दो बार अप्लाई करने के बाद थोड़ा बहुत वर्क किया है, क्योंकि मेरे हैंड के जो हेयर हैं वो थोड़े सॉफ्ट आते हैं इसलिए, बट फिर भी बहुत जगह से छूट गए हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं ना, मैं बोल रही हूँ ना किसी ने गंदे तरीके से वैक्स करी उस टाइप से, लेकिन मेरे लेग के हेयर जो हैं वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं हुए हैं, लाइक जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं, मतलब मेरी ग्रोथ ज़्यादा बड़ी नहीं थी। आपने देखा डेमो के अंदर कि मैंने कैसे जो है अपने हेयर को रिमूव किया लिटरली गाइस, मतलब इसको अप्लाई करने के बाद आपको जैसा ब्लीच अप्लाई करते हैं ना उस टाइप की हल्की सी जलन होती है, उसके अलावा कोई भी जलन नहीं होती, कोई भी पेन नहीं होता है, बट इसने जो मेरे हेयर को रिमूव किया, मैंने आपको दिखाया कि मतलब मुझे हाथ पे तो दो बार इसको अप्लाई करना पड़ा तब मेरे एकदम क्लीन हेयर रिमूव हुए, बट फिर भी थोड़े थोड़े छूट गए, और पैर पे तो मेरे बहुत ही हार्ड ग्रोथ आती है, तो मतलब एक बार में तो एक बाल भी नहीं निकला, आप देख सकते हो आपने डेमो में देखा। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1500 रुपीज़ का प्रोडक्ट, वो भी 100 ग्राम, और वो भी हेयर रिमूव करने के लिए आपको मतलब दो बार अप्लाई करना पड़े, तो बिल्कुल भी मत परचेस कीजिएगा। और ये आपकी हेयर को कोई रूट से नहीं निकालता है, सिर्फ ऊपर से ही निकालता है, बट हाँ आपको टच करने के बाद बहुत ही स्मूथ फील होएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके बाद बहुत ही हार्ड आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं। सो मेरे ऑनेस्ट रिव्यू यही है कि 1000 रुपीज़, चाहे वो डिस्काउंट में दे चाहे विदाउट डिस्काउंट में दे, 1000 रुपीज़ एक हेयर रिमूवल के लिए शायद इससे सस्ते में अच्छे से वैक्स हो जाती है। मेरा ये परचेस करने का ये पर्पस नहीं था कि मुझे शेविंग से डर लगता है या वैक्सिंग से डर लगता है, मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मैं जैसे चाहूँ वैसे हेयर रिमूव कर सकती हूँ, बट हाँ मैंने इसको इसलिए परचेस किया कि इसमें दिखा रखा था कि आपको जस्ट अप्लाई करना है और जैसे ही आपका ये पेस्ट जो है वो ड्राई होता है आपको रिमूव कर देना है, तो कितनी लॉजिकली हम सोचें कि 5 मिनट में आपके हेयर रिमूव हो रहे हैं, तो आजकल जल्दी तो हर किसी को होता है, तो मैंने सोचा कि अगर 5 मिनट में ये हेयर को रिमूव कर देता है क्यों नहीं मैं इसे ट्राई करके देखूं। तो मैंने जब इसको ट्राई किया तो मैं जो हूँ बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि एक तो मतलब मुझे 2 से 3 बार अपने हाथ अच्छे से धोने पड़े, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा ड्राइनेस मेरे हाथ में आ गई है, फिर मैंने बॉडी लोशन अप्लाई किया तो भी मुझे ड्राई लग रहा था, मतलब 2 से 3 बार मुझे बॉडी लोशन अप्लाई करना पड़ा। और आपने देखा कि मतलब 2 बार मैंने जब हैंड पे पेस्ट अप्लाई किया जब मेरे हेयर रिमूव, और पैरों के बाल तो बिल्कुल भी रिमूव नहीं हुए, मतलब मैं 1000 रुपीज़ का एक 100 ग्राम प्रोडक्ट लेती हूँ जिसको मुझे 1.5 चम्मच जब मैंने उसको लिया तब मेरे बाल रिमूव नहीं हुए, मतलब मुझे 3 स्पून 1 टाइम लेना है तब मेरे बाल रिमूव होंगे। और इस 100 ग्राम प्रोडक्ट के अंदर अगर आप देखो तो इसकी जो वैलिडिटी है वो ओनली 6 मंथ है, यानी आपको 6 मंथ के अंदर इसको ख़त्म करना है, और आप अगर 3 स्पून अगर बात करें तो आप पूरी होल बॉडी का वैक्स जो है सिर्फ 2 to 3 टाइम आप वैक्स कर सकते हो, मतलब 2 to 3 टाइम अपने हेयर को रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। सो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, अच्छी बात है, लेकिन ये हेयर को इतना अच्छा और इतना फास्ट रिमूव नहीं करता है जैसा कि इसके इस प्रोडक्ट के बारे में लिखा हो, और जैसा कि आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने इसके अच्छे अच्छे वीडियो बना रखे हैं कि हाँ इसको ड्राई होने दीजिए और देन आपके बाल एकदम से गायब हो जाएंगे, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि खुद के पैसे खर्च हुए हैं तो मैंने फील किया कि मैं चाहूँगी ना कि एकदम क्लीन बाल रिमूव हुए, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो आप वैक्स करने के बाद आपके मतलब हाथ में जो फेयरनेस दिखती है, डेड स्किन निकल जाती है, तो ये डेड स्किन को बिल्कुल भी रिमूव नहीं करता है। आप इन मतलब देखो कि 2 से 3 बार बाल मतलब 2 से 3 बार लगाने के बाद इसने हेयर को रिमूव किया तो डेड स्किन को क्या रिमूव करेगा। सो मुझे प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मतलब मैं इसको 100 में से अगर 20-30% इसको लाइक करती हूँ, क्योंकि 2 बार अप्लाई करने के बाद एटलीस्ट इसने पैसे देने के बाद थोड़ा काम तो किया, अदरवाइज़ मैं इस प्रोडक्ट के लिए आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। और मैं इन लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप 1000 रुपीज़ अगर किसी कस्टमर से ले रहे हो तो उसको एक्चुअल प्रोडक्ट दीजिए, नेचुरल इंग्रेडिएंट से अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो आप नहीं ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। अब पता नहीं इसकी ग्रोथ कैसी आएगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अदरवाइज इसने मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई बना दिया है, मुझे अभी भी ड्राइनेस लग रही है, मतलब मैं 2 बार बॉडी लोशन लगा के आई हूँ फिर भी मुझे ड्राइनेस लग रही है। सो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और अगर आप भी ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले कोई प्रोडक्ट देखते हो तो प्लीज़ किसी के ऑनेस्ट
रिव्यू देखने के बाद ही उसे परचेज करना देता है। हाँ, कर रहा है बाल को रिमूव, मैं नहीं कह रही हूँ कि हेयर रिमूवर नहीं है अच्छा या हेयर रिमूवर हो सकता है, बट 2 to 3 times आपको आपकी स्किन पे लगाना पड़ रहा है उसके बाद ही रिमूव हो रहा है। लिटरली मैं घर पे वैक्सिंग करती हूँ ना, तो मेरा 45 minutes के अंदर पूरा बॉडी का वैक्सिंग कर लेती हूँ, लाइक अपने लेग्स, फुल लेग्स और अपने हैंड और अंडर आर्म्स 45 मिनट्स के अंदर हो जाते हैं। और मैंने 45 मिनट्स इस वैक्स पाउडर को लगाने के बाद फील किया कि मेरे बाल बहुत अच्छे से रिमूव नहीं हुए। और आपने मेरा टी शर्ट भी देखा होगा कितने अच्छे से गंदा हो गया था, और फ्लोर पे पूरा ये पाउडर जो ड्राई हो जाता है वो भी गिर गया था। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। अगर आप इसको परचेस करते हो तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके बताना। ये मेरा ऑल अबाउट वीडियो इस प्रोडक्ट के बारे में। सो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कॉमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।